तो ये देखिए सोहगी बर्मा ग्राम सभा है। अब हम लोग नाव पर, विकास की नाव पर चढ़ने जा रहे थे, तब तक तेज प्रताप भाई से मुलाकात हुई। तो तेज प्रताप भाई से हमने सवाल कर दिया, तेज प्रताप भाई क्या आपके यहाँ के मैंने सिसवा वाले विधायक जी आए? तो ये कह रहे हैं कि मिनी श्रीलंका है, यहाँ थोड़े आएंगे। क्या है मिनी श्रीलंका कह रहे हैं भाई? नेता हो तो कोई आएगा नहीं, चारों तरफ जैसे श्रीलंका में पानी चारों तरफ रहता है, श्रीलंका घेरा रहता है, उसी तरह ये भी श्रीलंका चारों तरफ घिरा हुआ है। सोहगी बर्मा मिनी श्रीलंका हुआ ना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो नेताजी लोग कभी आते हैं? नेता लोग सब चोर हैं, क्या करेंगे, सब चोर हैं। हम तो मतलब सुनते हैं बड़ी महान नेता है आपके यहाँ। कोई महान नहीं है, कोई महान नहीं है। चुनाव के बाद, चुनाव के बाद पटेल जरूरत पाके महान है, अपने जरूरत पे महान है, हमारे जरूरत पाके महान है। ये जनता के लिए महान कोई नहीं है। अच्छा, कहा डूब जाए, मर जाए, दे जाए, कोई महान नहीं है। और अपना जरूरत खत्म हो गया तब कोई महान नहीं है। चुनाव के पहले आएंगे और चुनाव के बाद मतलब खत्म हो गया, सब चले जाएंगे। हाँ, कोई मतलब नहीं है। हाँ, पटेल जी आए थे चुनाव के बाद पहले, एक बार भी झांकने पार नहीं आए। सोहगी बर्मा क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद ऐसे ही पटेल जी थे तो हमारी बात हुई करे, हम तीन तीन बार आए हैं, एक बार नहीं पहुंचे हैं। एक बार नहीं पहुंचे पटेल जी, कैसे करे तीन बार आए हैं, एक बार भी नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे हैं। कहने कह दिए हैं लेकिन पहुंचे नहीं है। अच्छा, खाली वैसे बोल दिए हैं क्या? वैसे ही बोल दिया कि अब पहुंचे हैं, आते हैं थोड़ा बहुत फोटो खिंचाने के लिए खाली आते हैं। अच्छा, फोटो खिंचवा चल लेते हैं, बांट देंगे चले जाएंगे, राशन बांट देंगे ऐसे चले जाएंगे, भूजा उजा बांट देंगे चले जाएंगे। देखिए तेज प्रताप भाई कह रहे हैं ये श्रीलंका है, मिनी श्रीलंका, तो क्यों आ गए? क्योंकि नेता अधिकारी दूरी बना के रहते हैं, दूरी बना के रहते हैं। सही बात तो यही है, मैं आपको बता दूं, इस सोहगी बर्मा गांव से जो है तमाम अधिकारी नेता मालामाल हो गए, क्योंकि जब आप सोहगी बर्मा के डेवलपमेंट के लिए इतना कुछ काम हो रहा है, खुद मौजूदा जिलाधिकारी महाराज की बात करूं तो बड़ा एक्टिव रहते हैं, लेकिन हालत ये भैया कि यहाँ पानी और पानी और सिर्फ पानी, और फाइलों में खूब काम हो रहा है, जमीन पर पता चले कुछ बटला ही नहीं बटला, यही हाल है। ये शिकारपुर गांव है, और शिकारपुर का ये माता बहन है, देख लीजिए क्या हालत है। माता जी कब से ही पानी है? कल के रात के 12 बजे से। 12 बजे से? कल के रात के 12 बजे से। अच्छा, तो अब कहाँ रह रहे हैं आप लोग? खड़ंजा पे। भोजन पानी कुछ नहीं, कल के खाना खा लिया, आज प्रधान बनवाला ते बड़ा खानी है जा। अच्छा, कल से जो है खाना नहीं खाए थे, आज सुबह जो है गांव के प्रधान ने खाना बनवाया तो खाना था। अच्छा, ये बताइए कोई अधिकारी नेता बताया था? केहू नहीं खाए आई। अच्छा, चुनाव में ता जला हो लो? चुनाव का वोट से जीते के ना रहला। अच्छा, तो जा खाए पानी के पूछत के दोई गेल के बाटे। हां, माने चुनाव रही ता गेल है। हां हां, चुनाव रही तो माता जी आ गेल है। हां हां, फिर चुनाव रही ते आ जाई। हां, अब वो तारा दोहा तानी जे के कोनो मतलब। हां, तो कौन मतलब बा, वोट दे काम बट नहीं नहीं बटे। हां, चुनाव से मतलब नहीं। हां, तो ये देख लीजिए भैया, चुनाव रहता तो नेताजी विधायक जी और सांसद जी जो है वो नहीं आते तो जरूर कोई न कोई आ जाता है। बाबा हर साल यही हाल होता है ना इस गांव का? हर साल, हर साल बाकी नहीं। हर साल तो अभी तक कोई अधिकारी कोई नेता नहीं आया। अच्छा, दूर दूर तक देखेंगे। ये अभी इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये रोड है, खड़ंजा है जो ग्राम सभा को जोड़ता है, ये शिकारपुर ग्राम सभा है। और गांव वालों का कहना है कि कल से खाना नहीं खाए थे, गांव के प्रधान ने खाना खिलवा दिया तो आज पेट में भोजन चला गया। ये रास्ता है, थोड़े दूर आगे एक भाई साहब चौकी पे आनंद ले रहे हैं, जीवन का मजबूरी में आनंद ले रहे हैं। और हम लोग अब शिकारपुर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की क्या दशा है यह अभी आप सबको दिखाएंगे। इस गांव के लोगों की हालत आप देख सकते हैं, बगल में जो है लकड़ी पे खाना भी बन रहा है, मुझे लग रहा है ये सामूहिक खाना बन रहा है ताकि गाँव के लोग को खाना खिलाया जा सके। और आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी लगा हुआ है, और हम लोग जिस इस वक्त जहाँ चल रहे हैं ये रोड है, खड़ंजा है, ग्राम सभा का खड़ंजा है। और क्या हालत है, क्या गांव की दुर्दशा है ये देख सकते हैं। लोग मजबूर हैं लेकिन जाए तो जाए कहा, क्योंकि और कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल का अपडेट ये है कि अभी तक कोई अधिकारी कोई नेता आया नहीं है। कुछ लोगों ने छत पे आश्रय बना लिया है, तो कुछ लोगों का आवास वाला छत जो है जवाब देने को भी तैयार है, और यह खुलासा भी कर रहा है कि सरकार और सरकारी सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री आवास वाला घर होगा, लेकिन भैया कटरैन लगा है, हो सकता है किसी का सहयोग मिल गया हो, प्रधान जी सचिव साहब के सौजन्य से जो है, कहाँ का रुपया कहाँ चला गया होगा इसका भी कहना मुश्किल नहीं है। ये देख लीजिए, ये बगल में एक घर है, ये पूरा परिवार जो है टाली पर आशियाना बनाया है, और मुझे लगता है अब पानी बढ़ेगा तो खतरे की घंटी
तो वैसे ही बजी है। तो कहाँ घर है आपका? सोगी वर्मा का तो बड़ा नाम होता है जिले में कि बहुत सुविधा है, नेता लोग बड़ा बड़ा बात कहते हैं। बहुत सुविधा है क्या आपके गांव में? लो मकान बनावे तो वही तरह खा लो बनाई ना कल। अच्छा, वही तरह पानी पानी जाके डूबा के मरल के पानी कब से लगल भाई? 4 दिन हो गई, 2 रात 2 दिन। केहू नेता अधिकारी आई लल? नेता अधिकारी केहू नहीं गई। चुनावों में तो सबके वाला हो। चुनावों में तो खाए लाभ उठा तो जाइलो नहीं। अब खेला खत्म हो? वोट नहीं लोग बटे नहीं लोग बता में के उजाइल देख है। कोई नेता अधिकारी नहीं आया था ना? केहू नहीं। अच्छा, तो देखिए मंच पर बड़ी बड़ी बातें होती है। भाई साहब आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? सोगी वर्मा, कोई नेता अधिकारी आया था? नहीं, कोई नहीं आया था। विधायक सांसद कोई नहीं पूछ रहे हैं यहाँ? आते हैं कि नहीं ये लोग, विधायक जी सांसद जी? दोनों आदमी नहीं आते। कभी आए हैं? नहीं, चुनाव के पीरियड में भी नहीं आए। चुनाव में भी नहीं आए? नहीं। अरे महाराज, तो कैसे वोटों दे देते हैं आप लोग? जनता के मूड है, चुनाव में भी नहीं आते? नहीं, चुनाव में भी नहीं आए। वाह, देखिए इससे बढ़िया किस्मत क्या हो सकता है कि नेता चुनाव जब लड़े तो वोट मांगने भी नहीं आए। इससे बड़ा किस्मत क्या हो सकता है। यह सोगी वर्मा है। सोगी वर्मा का नाम की अगर मैं बात करूँ तो पूरे महाराजगंज जिले में एक अलग नाम लिया जाता है कि सोगी वर्मा वन जीव प्रभाग के नाम से जंगल है। लेकिन जो व्यवस्थाओं की बात है वो भैया देखिए ऐसे ही है। नदी है और साल में 4 महीना नाव चलता है। बरसात के मौसम में नाव चलता है। लगातार 3 दिन से इस गांव में पानी है। न कोई नेता न कोई अधिकारी, कोई इन गांव वालों का हाल चाल पूछने आया नहीं है।